स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSEL Jobs Online में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडो रिक्रूटमेंट 2023 के अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आपकी जो है निकाली गई है ये वैकेंसी, और इसमें जो सैलरी की बात करें तो 56,000 के बीच आपको इसमें सैलरी जो है मिलने वाली है। 56,000 से लेकर 1,077,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपकी निकाली गई है असिस्टेंट कमांडो इंजीनियर के ऊपर। तो कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे वीडियो पे, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, जब भी आपको पता चल पाएगा इस वैकेंसी के बारे में। स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पर आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ITV असिस्टेंट कमांडर रिक्वायरमेंट 2023। 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है इसकी। ऑल इंडिया से फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सभी के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। अगर आप जनरल EWS OBC वाले हैं तो ₹400 आपको फीस करनी पड़ेगी पे। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको ₹200 का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा, फीस मतलब आपकी लगेगी। 18 साल से 30 साल की उम्र मांगी गई है, एज लिमिट आपकी 15 दिसंबर 2023 के हिसाब से की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है इसका फॉर्म आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर जाना है, यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिख रहा है। अगर आप पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस वाले का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप सिंपल लॉगिन करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो नए यूजर हैं उनके लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मिडल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी, फिर से दोबारा से ईमेल आईडी, दोबारा से यही आईडी डालनी है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड आपका नाम का अक्षर, बाकी बड़ा अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल ऐट द रेट और 4, 5, 4, 1, 2, 3, इस तरह से पासवर्ड बनाएंगे। दोबारा से वही पासवर्ड आपको बनाना है, फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद ये कैप्चर डालिए। दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको होम का, तो यहाँ पे ये वाला क्लिक हेयर टू लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंड आप अपना पासवर्ड वाली डालिए जो आपने बनाया था, उसके बाद एक कैप्चा डालिए, उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर देंगे लॉगिन पे। दोस्तों, आप अपने पोर्टल में जो है लॉगिन हो चुके हैं, मतलब कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, आपको क्या करना है प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, फिर आप प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक कर दोगे, ये जो सारी डिटेल आपकी आएगी ये आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देनी है। रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल यहाँ पर आएगी, उस कुछ आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है अपना, अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों एक है तो आप यहाँ पर टिक करके दोनों में एक से एड्रेस डाल दे सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका रीजन, मतलब यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, जो भी है इनमें सेलेक्ट करिए। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आपका डिटेल आएगा क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की यहाँ पे डिटेल आपकी ऑलरेडी आएगी भरी भाई, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे हाई स्कूल चुनेंगे, उसके बाद उसके स्कूल का नाम, उसके बाद परसेंटेज। अब दोस्तों, जैसे ही आप हाई स्कूल की सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर 12वीं चुनना है। 12वीं आपने PCM से की है या नॉर्मल की है, इनमें से जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा PCM से है, तो मैंने 12वीं विद PCM कर लिया, कॉलेज का नाम, परसेंटेज डाल दिया है इंटर की। फिर से आपको प्लस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर जो मैं ये फार्म भर रहा हूँ उसमें क्या है जो है सिविल मांगा गया, मतलब कि BTech वगैरह आपका BBA है या जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा BTech है तो BTech सिविल चुन लिया, उसके बाद कॉलेज का नाम डाल लिया, उसके बाद आपका परसेंटेज, फिर आपका जेंडर आएगा मेल एंड फीमेल, अगर आप मेल करना, ये दोनों के लिए है मेल से भी और फीमेल से भी। दोस्तों, एक आपको मैं बता दूं
ये आपका ऑल इंडिया से फॉर्म निकाला गया, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैरिड है या इनमैरिड है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी जाति का, आप एससी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी आप सेलेक्ट करिए इनमें से। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं नोटिफिकेशन में दिखा दूँ, तो यहाँ पे फीस वगैरह मैंने बताई दी थी आपको स्टार्टिंग में कितनी कितनी है। अगर आप एस सी एस टी है तो 200 रुपये, अगर आप जनरल ओ बी सी डॉलर है तो 400 रुपये फीस पे करनी है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको इनमें से देख लेना है, एक सर्विस मैन वगैरह है तो नहीं तो आप, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो अनएम्प्लॉयड आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आने बाद यहाँ पर टिक करिए। उसके बाद आपको अगर आप इनमें से कोई है तो टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपको कर देना है सबमिट पर क्लिक। दोस्तों जैसे आप सबमिट कर दोगे फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिट ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स यूअर कैन ऑनलाइन अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके यहाँ पे पूछा जाएगा आपको, फिर आपको यहाँ पे करना है अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। अपलोड इमेज पर करने बाद आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपका दिखा दिया जाएगा, अपलोड कर लेगा आप। आपका 30 KB से 100 KB के बीच फ़ोटो का साइज है। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका 15 से 30 KB के बीच है। यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर करने बाद फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों अप्लाई का, तो आपको क्या करना है, सिंपल अप्लाई पर क्लिक कर देना है आपको। दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। अगर आप जनरल ओबीसी है तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, अगर आप एससी एसटी से आए तो जब आपको पेमेंट करने की कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म भर लेना, पेमेंट वगैरह कर लेना जैसे जैसे मैंने बताया। बाकी कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको जो है आगे की वीडियो बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादा है, तो इस फार्म में जो डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है वो इससे अलावा कम मांगी गई है, तो इसलिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस बताने में असमर्थ हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट में ये बताइए आपको जो है वीडियो कहाँ से देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आ रहे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।